आप सभी प्रेस के बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि पीओजेके का एक श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा होने जा रही है, जो 8 मई को सुबह 10:30 बजे पद्मा सचदेवा वुमेन कॉलेज गांधीनगर में होगी। उसके प्रांगण में, उसकी ग्राउंड में उसकी तैयारियां चल रही हैं, और जो हमारी तरफ से है, हमारी जो संस्था है, जितने भी जम्मू की तहसीलें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पीओजेके विस्थापित जम्मू प्राविंस के हर जिला में, हर तहसील में रहते हैं, और हर तहसील में जो हमारे यूनिट्स हैं, हमने उन सभी को सक्रिय कर रखा है कि वो घर घर जाएं, हर लोगों को तैयार करें, जो लोग बीमार हैं उनको भी लाने की व्यवस्था करें, जो लोग चल नहीं सकते, किसी और कारण से आ नहीं सकते, उनको भी लाएं, और वो इस बात के साक्षी बने, इस बात के गवाह बने कि आज सारा समुदाय, हमारी सारी बिरादरी इकट्ठे होकर उस भूमि को नमन करेगी जिस भूमि पर मेरे बुजुर्गों ने जन्म लिया, वहां पर बड़े हुए, पले पड़े, लेकिन बाद में वहां से खदेड़ दिए गए, मार दिए गए, निकाल दिए गए, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो उस भूमि को नमन करने के लिए, उन बुजुर्गों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे काफी परिवार जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में भी रहते हैं, तो उनके लिए भी, चूंकि पूरा एक डेटा बेस हमारे पास है उन सभी लोगों का, उनके बकायदा एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, हमारे यूनिट्स बने हुए हैं, हमने सबको कहा है, और पूरी उम्मीद है कि तकरीबन हर राज्य से जहां मेरे लोग रहते हैं भारी संख्या में आएंगे। कुछ लोग ट्रेन में आ रहे हैं, कुछ अपने साधनों से आ रहे हैं, कुछ और तरीके से आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इकट्ठ होगा, एक बहुत बड़ा समागम होगा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब लोग मिलकर इस काम को जो है वो अंजाम देंगे। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि मुजफ्फराबाद का अलग से एक कार्यक्रम होता था, और वो होता भी रहेगा, मीरपुर का अलग तरह से होता था, और पुंछ का अलग